नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, पर्दे के पीछे की वो बातें जो अमूमन लोग नहीं करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो और भी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर, लाइक यू नो ऑल दी टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, बट आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं आज पैसों की। ये तो वो चीज़ है भाई, किसको नहीं चाहिए, है ना? जिसके पास है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब आपके पास नहीं होता है तो वो सिर्फ एक परेशानी होती है कि पैसा नहीं है, और जब पैसा आता है तो दूसरी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वेल, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी होती हैं हमारी यू नो मेंटल हेल्थ से, हमारे सामाजिक हेल्थ की, हमारे फिजिकल हेल्थ की, हमारे फाइनेंशियल हेल्थ की, हमारे सोशल हेल्थ की। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की। देखिए, बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारे लोग जो है विद द ट्रिगर वार्निंग वर्ड आई एम यूजिंग सुसाइड वो भी करते हैं। कई सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, स्पेशली यू नो लाइक किसानों का बहुत सारा हमने सुना है। क्यों होता है ये? खैर, वो एक अलग मुद्दा है, बट इन जनरल लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्यों होता है, क्या करें जब ऐसा कुछ हो जाए, क्या करें। मुद्दे की चीज़ ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की क्राइसिस हो, क्राइसिस तब आती है जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, राइट? भाई पानी बहुत भर गया, मतलब बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, क्राइसिस हो गई। लेकिन वही पानी अगर बराबर से यू नो सही रेशियो में बरस रहा है तो ब्लिस है। स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं, क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है? हम रोज यू नो स्मोक कर रहे हैं या गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, एक दिन हेल्थ क्राइसिस हो जाएगी। क्राइसिस तभी आती है जब किसी ना किसी चीज की अति हो जाती है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं तो अति किस चीज की होती है? मिसमैनेजमेंट की। हम बहुत ज़्यादा आय से ज़्यादा जब हम खर्चा करना शुरू कर देते हैं, या हम चीज़ें सेव नहीं करते हैं, हम बचा नहीं पाते हैं, तब ये इस तरह की सिचुएशन आती हैं। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बट बाय एंड लार्ज ये हमारी आदतें होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज़ को आप सही अनुपात में करें, खर्च हो या इनकम हो, उसके लिए जितनी मेहनत लगती है, भाई हर चीज़ की जो है अपनी अपनी जगह है और उसको सही तरीके से करना चाहिए। भाई आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए, हम कई बार बोलते हैं ना कि यार मैं तो कुछ भी कर दूंगा पैसे के लिए, लेकिन क्या कुछ भी करना सही है? आप कुछ भी करके जो पैसा कमाओगे, क्या आप उसके साथ में सुकून से रह पाओगे? क्या करोगे आप इतना पैसा और इस तरह से कमाया हुआ पैसा कि आप सो भी ना पाओ, खा भी ना पाओ, जी भी ना पाओ? क्राइसिस से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्राइसिस हो जाए तब क्या करना है, आज चलिए चर्चा करते हैं इस बात पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कभी भी क्राइसिस आइडेंटिफाई कीजिए पहले। भाई जब हमारे पास पैसे कम होते हैं ना, जब ये पॉकेट जब खाली होती है तो समझ में आ जाता है कि भाई जेब खाली है, इतना तो समझ में आता है ना कि ये क्राइसिस के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है? जब आप ज़रूरत की चीज़ें बिल नहीं भर पा रहे हैं, जो वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं और एकदम महत्वपूर्ण है आपके लिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप या तो क्राइसिस में आ गए हैं या तो क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बड़ा रीज़न होता है क्राइसिस का डेट या ओवर एक्सपेंडिचर। इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें? भाई बहुत सारे लोग जो है शहरों में रहते हैं, बड़ी सारी एम्बिशंस लेके आज चलते हैं। एक ज़माना था जब लोग पहले पैसा कमाते थे उसके बाद घर लेते थे, आज जमाना ऐसा है कि हर युवा व्यक्ति जो है वो चाहता है कि ईएमआई पे ही से घर ले लो, और प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म नहीं होती है, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। क्योंकि जब हम घर लेने जाते हैं हमको एकदम स्ट्रेच करके, अगर मेरी लिमिटेशन जो है 25 लाख है या 50 लाख है तो मैं 75 लाख वाला घर मुझे पसंद आता है, और मैं उसके लिए स्ट्रेच करके एकदम जो है लोन ले लूँगा या इस तरह की कोई चीज़ें करूँगा या डेट ले लूँगा या कोई एसेट जो है वो निकाल दूँगा क्योंकि मुझे वो चाहिए, राइट? अब जब इतनी थिन लाइन पे हम चलेंगे कहीं ना कहीं तो भाई गिरना ही है, और अगर गिरेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे? पहली चीज, इतना स्ट्रेच करिए मत। और मेरे एक यू नो प्रोफेसर हैं, वो हमेशा बोलते थे विवेक, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, अपने दिमाग से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस चीज को दो बार खरीद सकता हूं? अगर मैं इस चीज को दो बार खरीद सकता हूं तो मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूं, अदरवाइज वो मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है,
सो फर्स्ट थिंग इज दैट अपने डेट को कंट्रोल में रखिए। दूसरों को दिखाने के चक्कर में या किसको साबित करने के चक्कर में या एक ओवर एम्बिशियस लाइफ जीने के चक्कर में अपने आप को उतना स्ट्रेच मत कीजिए। ठीक है, कई बार ऐसे होता गया है कि मतलब वो बोलते ना कि आप शुरू तो करो, आप खर्च तो करो। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं आप खर्च करो, लाइफस्टाइल अपने आप बन जाएगी। भाई कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है और मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज एक्सपेंडिचर और डेट को जो है आपस में कनेक्ट मत होने दीजिए। ठीक है, आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैमरा लेना है या मुझे एक बहुत महंगा फ़ोन लेना है, तो वो फ़ोन अगर मैं कैश खरीद सकता हूँ तो मुझे लेना चाहिए, और अगर उसकी बहुत कम ईएमआई आती है तो मुझे लेना चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं लेना चाहिए। राइट नाउ अब मान लीजिए कि कुछ कर भी लिया, भाई हो गया, चलो ठीक है, अभी इतने लाख का इतने करोड़ का कर्जा आ गया, अब क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज कीजिए उन चीज़ों को जो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, एंड इंक्लूडिंग योर मेंटल हेल्थ बाय द वे, बिकॉज अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिस्ट बनाइए, बकेट लिस्ट बनाइए। सबसे पहले अपने आप को बताइए कि भाई तुम्हारी लग चुकी है, ठीक है, यू आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस। फर्स्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बिकॉज कई बार हमें अरे नहीं नहीं कुछ नहीं यार, ये तो हो जाएगा, अभी एक प्रोजेक्ट आएगा तो ये हो जाएगा, अगले महीने की सैलरी में ये हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, कभी चमत्कार हो गया तो हो गया, लेकिन अक्सर नहीं होता है। सो फर्स्ट एक्सेप्ट दैट यू आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस। सेकेंड थिंग, मेक द लिस्ट ऑफ एब्सोल्युटली नेसेसरी थिंग्स, एब्सोल्युटली नेसेसरी थिंग्स। थर्ड बकेट शुड बी एट वॉट कॉस्ट, एंड फोर्थ बकेट शुड बी हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। नाउ आपने एक्सेप्ट किया, आपने अब जो है लिस्ट बनाई कि क्या क्या जरूरी चीजें, भाई जैसे आप अगर घर में रह रहे हैं, इवेल्युएट कीजिए, अगर मैं क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज की नहीं, इवेल्युएट कीजिए कि क्या मैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर, आपके मोहल्ले में या आपकी सोसाइटी में जो है कोई घर जो है 15,000 का या 20,000 के रेंट पे ठीक ठाक अवेलेबल है, या शायद उसी टाइप का घर जिसके लिए आप 50,000 की ईएमआई दे रहे हो। इवेल्युएट, क्या आपको रेंट पे रहना चाहिए आज या कंटिन्यू टू पे ईएमआईज, चॉइस इज योर्स। इफ यू थिंक दैट यू कैन मैनेज, फाइन, बट मेक योरसेल्फ डबली श्योर कि कैन यू मैनेज, इफ यस गो अहेड। दूसरी चीजें, लाइफ स्टाइल में और क्या चीजें हैं जिसपे आप खर्चे कम कर सकते हो? क्या आपको इतनी महंगी कार की जरूरत है? क्या आपको इतनी महंगी बाइक की जरूरत है? क्या आपको इतनी महंगी चीजों की जरूरत है? जो चीजें एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है उसको कट डाउन कीजिए। एंड मैं कौन हूं बताने वाला, आप खुद जानते हैं कि क्या चीजें आपके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, वो चीजें जिनके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, वो चीजें जिनके बिना आपका परिवार नहीं चल सकता है, वो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी नहीं। क्राइसिस के टाइम पे ये मत सोचिए कि मैं आईफोन नहीं यूज करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये वाली गाड़ी नहीं यूज करूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड थिंग, नाउ यू स्ट्रेटेजाइज कि जैसे मान लीजिए कि अगर कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख का लोन है, ठीक है, अब वो 10 लाख मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा है, मुझे पता है कि अगर ये 10 लाख मैंने चुका दिए तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा या कंफर्टेबल हो जाऊंगा। रिलैक्स अगर क्राइसिस में हो तो रिलैक्स हो बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। उसमें आप सर्टिफाई कीजिए कि भाई इंटरेस्ट रेट किस पे सबसे ज्यादा है, क्या आपको देनदारों को पैसे देने हैं, क्या आपको क्रेडिट कार्ड को पैसे देने हैं, क्या आपको ईएमआई भरनी है घर की, क्या आपको किसी और को पर्सनल लोन आपने लिया है उसको चुकाना है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। जब जिस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसको साइड में रखिए, जिस पे कम इंटरेस्ट है उसको साइड में रखिए। अब इवेल्युएट कीजिए कि जिस पे कम इंटरेस्ट रेट है वो चीज़ कितनी ज़रूरी है, क्या मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ, क्या मैं उसको बेच सकता हूँ और वो लायबिलिटी खत्म कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जिसको आपने ऑलरेडी 4-5 साल चला लिया है, क्या आपको उसमें उसकी सच में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? दूसरी चीज़, जैसे क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, दिस इज माई परस्पेक्टिव, क्रेडिट कार्ड है, क्या मुझे अपना सिबिल मेंटेन करने के लिए, जस्ट टू मेंटेन दैट सिबिल, क्या मुझे इतना पैसा पे करना चाहिए? भाई आपको तो पता ही है 1 लाख का आप यूजेस करोगे उसमें 3 लाख का बिल आ जाता है, क्या जरूरी है वो 3 लाख भरना? अगर जरूरी है तो भरिए, कैसे भरेंगे वो आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अगर नहीं जरूरी है तो उसको सेटल कीजिए, टॉक टू योर बैंक। एंड कभी भी
किसी भी तरह के डेट में या क्राइसिस में कम्युनिकेशन बंद मत कीजिए। हम कई बार क्या करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि यार फ़ोन नहीं उठाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा मत कीजिए। फ़ोन उठाइए, बात कीजिए एंड शो योर इंटरेस्ट कि हाँ भाई मुझे ये ख़त्म करना है, जस्ट गिव मी सम टाइम। प्रेशर बिल्ड मत होने दीजिए और उसको सामने से बोल दीजिए, देख भाई प्रेशर बिल्ड मत कर, मैं मेरी नीयत ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, प्रेशर मत बिल्ड करो। देन यू इवेल्युएट कि ये जो कम जिन चीज़ों पे कम इंटरेस्ट रेट है या आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या तो उसको ख़त्म कर सकते हैं या तो उसको आप निकाल सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू यू नो अदर थिंग्स, आप फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि गोल्ड, ठीक है, आपकी कुछ सेविंग है, उस सेविंग से उस इंटरेस्ट को बंद कीजिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा होल है आपकी पॉकेट में। आपको 1 लाख की जगह 3 लाख रुपये भरने पड़ रहे हैं तो उसको जल्दी ख़त्म कीजिए, अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। एंड इवेंचुअली देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि भाई इन चीज़ों को मुझे कैसे आगे बिल्ड करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसे मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया तो अब क्या करेंगे आप, उसका साधन आपके पास होना चाहिए कि अब जो है मैं सेव करूँगा। पहली आज की मेरी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मैं क्राइसिस में हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चीज़ें बंद करूँ, ठीक है, वो जो ड्रेनेज है उसको बंद करूँ। दूसरी जैसे ही वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, मेरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मैं उस बकेट में पानी भरूं, क्योंकि पानी भरेगा तभी तो यूज़ होगा ना। आप क्रेडिट कार्ड के बिना या दूसरी चीज़ों के बिना तब कब सर्वाइव कर पाएंगे, जब आपके पास पैसे होंगे या जब आपके पास कैश होगा, राइट। सो बिल्ड ऑन सेविंग्स, छोटी छोटी सही वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड की मैं बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आपके सारे आपके आसपास जितना भी गोल्ड है वो सारा आपको निकाल देना है, मत निकालिए। बट कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है, उसको निकाल के अगर कोई आप डेट क्लियर कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। जब हम बात करते हैं वेलबींग की ना, तो इट इज़ नेवर ओनली अबाउट फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग और फाइनेंशियल वेलबींग। ये चारों चीज़ें जब तक एक साथ नहीं होगी हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं, राइट। सो प्लान वेल, एंड इसके बारे में अगर आपको लगता है कि आप कहीं अटक गए हैं तो किसी स्पेशलिस्ट से बात कीजिए। बहुत लोग हैं आपके आसपास, कभी ये मत सोचिए कि भाई इसको पता चल जाएगा तो क्या। अरे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी एक वक्त पे बैंकरप्ट हो गए थे, बहुत पैसा बनाया, बैंकरप्ट हो गए, फिर से बनाया उन्होंने। यार वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसमें लो फील करने की जरूरत नहीं, इसमें डिजेक्टेड फील करने की जरूरत नहीं। यू हैव नॉट डन एनी क्राइम, इट जस्ट एन इंसिडेंट जिसमें ये सारी चीजें हुई हैं, इट्स ओके। वो भी तो आप ही ने बनाया था ना, वो जो आपने बिल्ड किया था वो भी तो आपका ही था, आप फिर से कर सकते हैं। इसकी वजह से अपने आप को कभी अपना मोरल डाउन मत होने दीजिए। एज लॉन्ग एज यू हैव डन गुड थिंग, एज लॉन्ग एज यू हैव डन राइट थिंग्स, जब तक आप शीशे में अपने आप को देखकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, डोंट क्विट, इट विल बी बैक। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपसे संभल नहीं रही हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बट यस, इमोशनल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है उसके लिए अगर आपको मुझसे बात करनी है तो बिल्कुल कीजिए। बहुत आसान है मुझ तक पहुँचना, गूगल बार में विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप कीजिए, थोड़ी तकलीफ दीजिए उंगलियों को और बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको मुझे कनेक्ट करने के। एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट एंड यू नो लिसन टू यू एंड ट्राई ऑफरिंग माई हेल्प, दैट्स द बेस्ट दैट आई कैन डू। फिर मिलेंगे जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।